खबर जम्मू कश्मीर के गांधरबल से, जहां पर आतंकवादियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। ये हमला उस वक्त किया गया जब लोग सुरंग के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देर रात का ये हमला और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके को कॉर्न ऑफ कर लिया गया है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 7 लोगों की मौत हो गई है जो वहाँ के नहीं है, बल्कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर वहाँ काम कर रहे थे। गैर स्थानीय लोग जिनको मौत के घाट उतारा गया है, घात लगा के आतंकवादियों ने इनके ऊपर अटैक किया है। देख सकते हैं आप, सुरक्षा बलों की चहलकदमी पूरे इलाके में बड़ी हुई है और कोशिश इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ने की है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि आतंकी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अगली खबर मथुरा से, जहां पर मामूली सी कहासुनी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, पथराव हो गया। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के सौंख रोड की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई, वहां से हमें बचा के करके लाए हैं। हम चौकी पे हैं इस वक्त, हमारी कृपा करके हमारी मदद करी जाए, हम विकलांग आदमी हैं। पथराव किसके द्वारा हुआ? एक पत्थर लट्ठों से लड़ाई झगड़ा हुआ, अफसर के सामने और भी लड़के थे, उनके घर के लड़के थे, और यही लड़के भाई थे वो, और 2-3 लड़के और भी उनके मिलने वाले थे, उनसे हुआ था। और आज की लखनऊ से बड़ी खबर, जहां उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी आज कर सकती है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है, जिसमें ओबीसी उम्मीदवार, कुछ सीटों पर दलित उम्मीदवार, इन नामों की चर्चा की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए को टक्कर देगा बीजेपी का प्लान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल दिल्ली में मौजूद है। इस समय बीजेपी सदस्यता अभियान और संगठन के पुनर्गठन को लेकर बीजेपी बड़ी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये तो देखिए, चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी बच गए हैं, उससे पहले नामों की घोषणा की जानी है, जिन पर लगातार बीते दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है। नामों के ऊपर मंथन किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, नए चेहरे हो सकते हैं, युवा चेहरे हो सकते हैं, जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है उपचुनाव के लिए। संकेत मिश्रा और जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। संकेत, क्या आज नामों की घोषणा कर दी जाएगी उम्मीदवारों के? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कमेटी ने पूरी तरीके से जो यूपी में उपचुनाव होने हैं उनके प्रत्याशियों के नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में चर्चा भी हो गई है प्रदेश कमेटी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में बैठक के माध्यम से, और इसके बाद अब आज से कल तक जो नामों के प्रत्याशियों की सूची है वो जारी हो सकती है। आज दरअसल महामंत्री संगठन धर्मपाल उत्तर प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दोनों दिल्ली में मौजूद हैं। एक वहां संगठनात्मक बैठक है और उसके बाद शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज से कल तक भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। दरअसल 25 तारीख अंतिम तारीख है नामांकन की, इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि आज से कल तक इन नामों का ऐलान किया जाए और उसके बाद नामांकन कराया जाए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव तो नामांकन आज भरने जा रहे हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना तो जरूरी है ना बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। इस बीच आपको ये बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस में शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने पूरे यूपी पुलिस के शहीद जवानों को नमन किया और 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए अपनी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर यूपी पुलिस के कामकाज की तारीफ उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश की शांति व्यवस्था को बेहतर बनाया है, बेहतर योगदान दिया है अपना। सीएम योगी ने पुलिस स्मृति दिवस पर वर्दी भत्ता बढ़ाए जाने की भी घोषणा कर दी है। वर्दी भत्ते में आने वाले कुल खर्चे में 70% की बढ़ोतरी की है।
पिछली बार 2019 में इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान प्रवेश में वर्दी की खरीद और रखरखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के अनुसार उसमें बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की जाती है। इसमें आने वाले कुल खर्च में लगभग 70% की वृद्धि की जाती है, जिसमें 58 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। नोएडा के स्कूल में बैक टच के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। ये मामला सेक्टर 12 निजी स्कूल का है। अभिभावक प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले स्कूल के एक मासूम बच्चे के साथ बैक टच का मामला यहां सामने आया था। उस वक्त स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल को हटाने और स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने का आश्वासन दिया था। अभिभावकों का ये प्रदर्शन, इनका आरोप है कि आश्वासन के बाद भी प्रिंसिपल को नहीं हटाया गया है, ना कोई सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। दो दिन पहले सेक्टर 27 के निजी स्कूल में अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया था। मेरे बच्ची यहाँ पे पढ़ रही है। लास्ट टाइम में हमने मैनेजमेंट के साथ मीटिंग किया था कि प्रिंसिपल को इमीडिएट प्रभाव से हटाया जाए। 1.5 महीना हो गया, उसके कुछ हुआ ही नहीं, और जब हम उसको बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे प्रिंसिपल को हटाया जाए, जो लास्ट टाइम में बात हुई थी मैनेजमेंट के साथ। यह जल्दी से इसके ऊपर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला से फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, जल्दी से अपडेट दे दीजिए आप, कि क्या पेरेंट्स का आक्रोश अभी भी देखा जा सकता है, क्या प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं? बिल्कुल कंजन, देखिए आपको बता दें, पेरेंट्स भारी संख्या में पहुंचे थे सेक्टर 12 के निजी स्कूल में, और यहां पर कुछ दिन पूर्व एक बैक टच की घटना हुई थी, और उस दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा, लेकिन नहीं हटाया गया, लिहाजा प्रदर्शन कर रहे थे। और इस दौरान जब जिला प्रशासन को और पुलिस को इस बाबत सूचना लगी, तो पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं अधिकारी, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैनेजमेंट इस चीज पर एग्री हो गया है कि प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, सीसीटीवी, उनको भी इंस्टॉल कराया जाएगा। जी ऑल राइट, हिमांशु शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।